दादो के हलके एनए के 288 का आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इमरान खान प्रेस क्लब दादो पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान ने किया कहा सुनते। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान खान, मैं आज़ाद उम्मीदवार एनए 288 दादू और जोई अपनी आवाम से मुखातिब हूँ कि मैं अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ सिर्फ एक नारे के साथ कि मुझे अपनी नस्लें बचानी हैं। दादू और जोही की आवाम इस वक्त बिल्कुल तबाही के दियाने पे खड़ी है और मैं अपनी नस्लों को बचाने निकला हूँ। दादू और जोही बिल्कुल एक मसलों से घिरा हुआ शहर है। अगर मैं तालीम की बात करूँ तो 80% स्कूल हमारे बंद हैं। मैं सेहत की बात करूँ तो अस्पताल हैं हमारी ज़बून हाली का शिकार है। हालात ये हैं कि वहाँ पे आपको बेड भी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एक मयारी डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मयारी दवाएं भी नहीं मिलेंगी और कोई भी बेसिक सहूलत आपको अस्पताल के अंदर इवन कि आपको एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी। फिर शहर इस वक्त बिल्कुल बदअमनी का शिकार है। जब बदअमनी अपने उरूज पर होती है तो जो ताजर हजरात होते हैं, हमारी जो ताजर कम्यूनिटी होती है, उनका एतमाद उठ जाता है और फिर वो मजबूर हो जाते हैं तो यहाँ से हिजरत करके किसी और शहर जाके अपना तजारत करें और यही हो रहा है हमारे शहर के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पानी का मसला तो यहाँ पीने का पानी नहीं है और उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, ठीक है। और सड़कों की हालत आपके सामने है, क्या पूरा शहर खन रात का एक मंजर दे रहा है। दादू को अगर आप एंट्रेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप किसी खन रात में आ गए हैं, कोई आसार कदीमा है, कोई शहर नहीं है। तो मैं और जितने मसलों पे बात करूंगा तो सारी चीज़ें, कोई भी एक चीज़ सीधी मुझे नज़र नहीं आती। आप भी देख रहे हैं, मैं भी इस मुआशरे का पार्ट हूँ, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एक सही हालत में हो। तो इंशाल्लाह ये सारे चीज़ों को ठीक करना है। देखें इस वक्त हमारी जो आवाम है वो खोखले नारों